ये रहा LG का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो कि इसमें कपड़ा कैसे धोना है, इसको कैसे चालू करना है, क्या करना है, कैसे इसका चालू करने का प्रोसेस है, इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरा करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसमें कपड़े कैसे धोते हैं, कैसे इसमें पाउडर डाला जाता है, या फिर इसको चालू कैसे करते हैं, सब कुछ जो है कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा वॉशिंग मशीन, उसके बाद जब मैकेनिक से आएंगे तो आपका जो है कि सब कुछ फिट करके चले जाएंगे। एक पाइप दे सकते हैं कि नल में वो लोग लगा देंगे और दूसरा पाइप जो है कि बाहर कर देंगे, जो इसमें से वेस्ट पाउडर रहेगा जो कपड़ा खचारेगा वो सब जो है कि बाहर कर देगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो स्विच लगा है, स्विच को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसमें आप लोगों को अपना जो है कि कपड़ा, जितना भी कपड़ा आप लोगों को डालना है, इसको जो है कि ऐसे खोल करके इसमें आप लोग अपना कपड़ा जो है कि डाल देंगे। तो चलिए मैं इसमें जो है कि अपना कपड़ा डाल देता हूँ। तो वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा डाल चुके हैं, उसके बाद जो है कि इसको आराम से बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आप जो है कि उसको स्विच को जो है कि ऑन कर लेंगे। स्विच ऑन करने के बाद नल को जो है कि ओपन कर लेंगे। नल आप लोग एनी टाइम ओपन ही रहने दीजिएगा, बंद मत करिएगा, जो है कि उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। पानी कितना लेगा, अधिक लेगा, कम लेगा, उससे आपसे मतलब नहीं, अपने हिसाब से पानी ले लेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसमें पाउडर जो है कि डालना है। तो जहाँ तक हो सकता है कि आप लोग एरियल मैटिक या फिर सर्फेक्सल मैटिक ही यूज़ कीजिएगा। इस मशीन में मैटिक यूज करेंगे तो मशीन जो है कि लंबा समय तक चलेगी। अगर दूसरा नॉर्मल पाउडर यूज कर लेंगे तो मशीन जो है कि जल्दी से ख़राब हो जाएगी। तो जहाँ तक हो सकता है आप लोगों से मैटिक ही यूज कीजिए, एरियल मैटिक या फिर सर्फेक्सल मैटिक। तो अपने कपड़े के हिसाब से, जितना कपड़ा है आपका, 2 है 4 है 10 है, उस हिसाब से आप लोगों को जो है कि इसमें पाउडर डाल देना है इस वाले में। तो चलिए मैं उस हिसाब से जो है कि पाउडर अपना डाल देता हूँ। पाउडर डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसको बंद कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उस बटन को जो है कि क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है काटन, उसके बाद लिखा है उलेन, उसके बाद क्विक 13, राइस स्पिन, बेबी केयर। तो जो भी आपका कपड़ा है, जैसे मेरा कॉटन है तो इसको एक बार घुमाएंगे तो कॉटन पर हो जाएगा। अगर आपका उलेन कपड़ा है तो इसको जो है कि इसको उलेन पे कर लेना है। अगर आपका बेबी केयर है, बच्चों का कपड़ा है, तो इसको घुमा करके जो है कि बेबी केयर पे कर लीजिएगा इसको। अगर आपका कपड़ा पहले से ही फेंचा हुआ है, मतलब पहले से आप उसको कचार चुके हैं, बस इसमें आप लोगों को उसमें सुखवाना है, तो आप लोगों को क्या करना है कि राइस स्पिन वाले पे कर देना है, इस पे कर देना है, तो आपका कपड़ा बस ये सुखा देगा। पहले से ही कचार चुके हैं तो ये आपका कपड़ा सुखा देगा। अभी मेरा कपड़ा जो है कि कॉटन है तो मैं जो है कि इसको कॉटन पर कर देता हूँ। कॉटन पर करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर लिखा हुआ है, आपको पानी कितना गर्म करना है, किस डिग्री पे, तो उस हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए 60 डिग्री पे हो गया, मतलब पानी और ज़्यादा गर्म कर देगा, उसके बाद कपड़ा कचारेगा। उसके बाद जो है कि यहाँ से टेम्परेचर जो है कि सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से जो वॉश वाला बटन है उसको जो है कि क्लिक कर देना है, तो वो जो है कि आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि मशीन स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी देर में पानी ले लेगा ये अपने ऑटोमेटिक। पानी आप लोगों को नहीं डालना है, कितना लेगा आपके कपड़े के हिसाब से ये पानी ले लेगा। अभी ये बल्ब जो है कि पहले वाले पे जल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाश, यानी कि हमारा कपड़ा जो है कि अभी वाश हो रहा है, अभी हमारा कपड़ा धो रहा है। फिर जब ये दूसरे वाले पर चला जाएगा तब जो है कि आपका कपड़ा पानी में धोएगा, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं कि कपड़ा फरछा रहा है, दूसरे वाले पर चल जाएगा तब आपका कपड़ा फरछाने लगेगा। फिर उसके बाद जब आपका तीसरे वाले पर चल जाएगा तब जो है कि स्पिन करेगा, आपका कपड़ा उस पर जो है कि सुखा देगा। जब तीसरा वाला बल्ब जो है कि इंडिकेट करने के बाद बंद हो जाएगा तब जो है कि आपका मशीन सीटी देगा, उसके बाद आप अपना कपड़ा जो है कि निकाल सकते हैं। अगर आपका कपड़ा पहले से ही कचारा हुआ है तो जो है कि इसको जो है कि घुमा करके सीधे आप राइस स्पिन पे करेंगे, आपका कपड़ा डायरेक्टली जो है कि दूसरे वाले से स्टार्ट होगा, पहले वाले पे वॉश नहीं करेगा, दूसरे वाले पे जो है कि फरछाएगा, उसके बाद जो है कि आपका कपड़ा सुखा करके दे देगा। तो देख सकते हैं कि मशीन स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को वहाँ से नल से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, कब बंद करना है, कब चालू करना है, उससे मतलब नहीं है। कपड़ा है, अपने हिसाब से कपड़ा कचारेगा, पानी ले लेगा, कितना पानी लेना है अपने हिसाब से सब कुछ कर लेगा। अभी आपका देखिए पानी ऑटोमेटिक ले रहा है, अभी आपका कपड़ा कचारेगा, फिर आपका कपड़ा जो फरछाएगा तब भी पानी लेगा। आप लोगों को पानी से मतलब नहीं है, ऑटोमेटिक पानी लेता रहेगा। उसके बाद आप लोगों को नल को नहीं बंद करना है, अभी आपका मशीन खुलेगा नहीं, जब तक ये कपड़ा नहीं कचारेगा तब तक ये मशीन आपका नहीं खुलने वाला है। कपड़ा कचार लेगा, फिर सीटी देगा, उसके 2 मिनट या 3 मिनट के बाद आप लोग जो है कि इस मशीन को खोल सकते हैं, उसके पहले आप लोग इस मशीन को नहीं खोल सकते हैं। या फिर जैसे लाइट कट गई तब फिर 2-3 मिनट बाद खुल जाएगा, 2-3 मिनट बीत जाएगा लाइट कटने के बाद, 2-3 मिनट बाद आपका मशीन खुलने लगेगा। अभी ये नहीं खुलेगा, देख सकते हैं मशीन खुल नहीं रहा है।
तो बीच में अगर आप इसको खोलना चाहेंगे तो खुलेगा नहीं, तो मशीन आपका स्टार्ट हो चुका है। कुछ आधे घंटा में आप 45 मिनट में आपका जो है कि कपड़ा कचार करके सीटी देगा, तो अब आप लोग इसको खोल सकते हैं।